Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल Biz Analyst के साथ। एक तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने की खबरें लगातार आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ और कोफाउंडर भाविश अग्रवाल को बॉलीवुड गाने पर थिरकते हुए देखा जा रहा है। तो आइए बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो दरअसल मामला ये है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का निर्माण करने वाली ओला इलेक्ट्रिक एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम मूव ओएस 2.0 लेकर आई है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के आने के बाद ग्राहकों को ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर्स में म्यूजिक फीचर भी मिलने लगेगा। इसी नए फीचर की टेस्टिंग ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ और कोफाउंडर भाविश अग्रवाल ने खुद की, और इसी दौरान भाविश अग्रवाल को बॉलीवुड के गाने पर थिरकते हुए देखा गया। भाविश ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है, जिसमें उनके साथ उनके सहयोगी श्लोकार्थ डाश भी डांस करते देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि श्लोकार्थ डाश ओला इलेक्ट्रिक में स्ट्रेटेजी और प्लानिंग हेड हैं। अपने ट्वीट में भाविश ने लिखा कि श्लोकार्थ के साथ मूव ओएस 2.0 म्यूजिक फीचर की फाइनल टेस्टिंग। आप भी एक बार ये पूरा वीडियो देखिए। गौरतलब है कि पिछले महीने ही भाविश अग्रवाल ने मूव ओएस 2.0 की विशेषताओं के बारे में अपने ग्राहकों को बताया था और कहा था कि ये फीचर जल्द से जल्द लॉन्च कर दिया जाएगा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में नेविगेशन, कॉम्पेनियन ऐप, क्रूज कंट्रोल, ब्लूटूथ सहित कई फीचर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ देश भर में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने की घटनाएं तेजी से सामने आई हैं। हाल ही में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में लग रही आग की घटनाओं ने ग्राहकों सहित कंपनियों और सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। इलेक्ट्रिक वाहनों की सेफ्टी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ऐसी घटनाओं का सरकार के मिशन पर विपरीत असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग की इस घटना को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया है और मामले को गंभीरता से लिया है। मंत्रालय ने घटना की जांच रिपोर्ट भी मंगाई है। भारत सरकार लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में काम कर रही है और इसी बीच सामने आई ऐसी घटनाओं से सरकार की कोशिशों पर ब्रेक लग सकता है। ऐसे में सरकार ने इन घटनाओं की जांच के आदेश दिए हैं और इसके अलावा DRDO को एक टीम गठित कर घटनाओं की जांच करने को भी कहा है। हाल ही में प्रमुख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ब्रांडों के स्कूटर में आग लगने की घटनाएं सामने आने के बाद ईवी गाड़ियों की सुरक्षा पर सवाल या निशान लग गए हैं।